कृष्णनगर से विधायक हैं कांग्रेस के मंगत राम सिंघल। चांदनी चौक संसदीय क्षेत्र के आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं कांग्रेस के मंगत राम सिंघल। मंगत राम सिंघल का जन्म 11 नवंबर 1942 को दिल्ली में हुआ। व्यवसायिक घराने से जुड़े मंगत राम सिंघल ग्रेजुएट हैं। साल 1963 में अंगूरी देवी के साथ वो परिणय सूत्र में बंधे। उनके परिवार में पत्नी के अलावा 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। वो अपने पूरे परिवार के साथ फिलहाल शालीमार बाग के सहीपुर गांव में रहते हैं। मंगत राम सिंघल छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रहे। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस में सक्रिय सदस्य, संयुक्त सचिव, कोषाध्यक्ष से लेकर उपाध्यक्ष पद पर काबिज हुए। 1977 में पहली बार मंगत राम सिंघल म्युनिसिपल काउंसलर बने। 1983 में दोबारा चुने गए और वर्क्स कमेटी के चेयरमैन बने। इस बीच 1983 से 1990 तक वो एमसीडी में पार्टी के चीफ व्हिप भी रहे। 1993 में दिल्ली विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस ने सिंघल को आदर्श नगर से उम्मीदवार बनाया। हालांकि वो 40 वोटों के अंतर से हार गए, लेकिन 1998 में सिंघल नहीं चूके। उन्होंने बीजेपी के जयप्रकाश यादव को हराकर विधानसभा पहुंचने में कामयाबी पाई। इस दौरान वो विधानसभा में चीफ व्हिप रहे। 2003 विधानसभा चुनाव में सिंघल ने बीजेपी के अकाली उम्मीदवार रविंद्र खुराना को हराया। इस बार उन्हें सरकार में मंत्री पद से नवाजा गया। मंगत राम सिंघल ने समाज कल्याण, श्रम, रोजगार, चुनाव, लॉ एंड जस्टिस और संसदीय मामलों के मंत्रालय की जिम्मेदारी निभाई। 2008 के विधानसभा चुनाव में भी मंगत राम ने बीजेपी के अकाली उम्मीदवार को हराने में सफलता पाई। फिलहाल मंगत राम सिंघल ग्रामीण विकास बोर्ड के चेयरमैन हैं। बहरहाल एक बार फिर से चुनाव सिर पर है। मंगत राम सिंघल तैयारियों में जुटे हैं। विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के भीतर इनके समर्थकों के साथ साथ विरोधियों की भी संख्या कम। जाहिर तौर पर देखना दिलचस्प होगा कि इस बार मंगत राम सिंघल अपनी राह को और कितना आसान बना पाते हैं।